Hello dear students, I am Ashali, English language trainer. Welcome to my YouTube channel New Urban Computer Classes. So, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो गाइस, आज की वीडियो में जो हमारी क्लास है वो है यूज ऑफ हैज हैव का यूज हमें किस तरह से करना है। हैज हैव का यूज तो हमने सीख लिया था, जो हैजेव का यूज हमने सीखा था वो बिट बग की थर्ड फॉर्म का यूज करके सीखा था हमने। हम उसमें एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे थे एंड उन सेंटेंस को हम वहां पर यूज कर रहे थे जो काम हमने अब से 4-5 घंटे पहले कर लिया हो। ठीक है, मतलब बोले जो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं हमारे, वहां हमने हैजेव का यूज सीख लिया था। लेकिन जो हमारा आज का जो चैप्टर है, तो हैजेव जो हम सीखेंगे वो हमें वहां यूज करना है। जैसे कि हमें कहना है, यहाँ हम बताते हैं कि हम पास जो पास में आपकी चीज, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास ब्लू मार्कर है, या मेरे पास दो मार्कर है, मेरे पास एक ब्लैक मार्कर है, या मैं ब्लैक मार्कर रखती हूँ, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास दो घर है। इस तरह से जितने भी हम जो क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, इस तरह से जो हम बताते हैं तो उसको हम इंग्लिश में हैज का यूज करके बताएंगे। आप बताए देखते हैज का यूज कहाँ करना है और हैव का यूज कहाँ करना है। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हैव का यूज हम प्लूरल में करते हैं एंड हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ओके, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हम हैव का यूज करेंगे एंड कोई अदर थर्ड पर्सन है हमारा तो हम वहां पर हेल्प का यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन विद हैव एंड थर्ड पर्सन हेल्प का यूज। ओके, देखिएगा हम पहले अपना ये देखते हैज हैव। ओके, हैज हैव सीख रहे हैं हम। हैज हैव का यूज हम कौन से सेंटेंस में करेंगे? उन सेंटेंस में करेंगे जहां अगर रखता है, रखती है या रखते हैं, या फिर हम बात कर ले पास की बात आ जाए। ठीक है, पास यानी कि जो चीज आपके पास होती है। ठीक है, नियर वाला पास नहीं, नियर वाला नहीं, जो चीज हम कहते हैं ना मेरे पास ये है, मेरे पास एक किताब है। ठीक है, तो उन वाले सेंटेंस हमें करनी है। ओके, तो देखिएगा सपोज दैट हमें कहना है मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, हम बोलेंगे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। सिंपल है, सबने सीखा होगा, फर्स्ट क्लास के सेंटेंस होते हैं तो फर्स्ट सेकंड के आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। बट यहाँ जो हमारी बात है, अब हमें इसी सेंटेंस को सेकंड पर्सन से कंफर्म करना है। सेकंड पर्सन से हमें कंफर्म करना है कि तुम्हारे पास एक कार है, क्या तुम्हारे पास एक कार है। तो हम जो है क्या करते हैं, सेंटेंस में हमें ग्रामिकली सिखाया जाता है कि हमें ऐसे सेंटेंसों में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो हैव है। ठीक है, तो ग्रामिकली के अनुसार यानी तो ये बन जाएगा हैव यू अ कार, हैव यू अ कार, इस तरह से बन जाएगा ये सेंटेंस। बट ये जो होता है, इस तरह से हम अपनी मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह से कोई यूज नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो सेंटेंस का जो ये तरीका होता है वो गलत माना जाता है। ठीक है, वैसे गलत नहीं बता रहे, ग्रामीण ठीक है, लेकिन आज के हमें मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह से कोई यूज नहीं करते। ठीक है, तो हम देखिए कैसे यूज करते हैं। डू यू हैव अ कार, आई हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, हमें अपने आप से करने को सीख करते, आई हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, तो या फिर क्या तुम एक कार रखते हो। यहाँ जो हमने डू लगाया है इसलिए लगाया है क्या तुम एक कार रखते हो, पीछे कह रहा रखते हुए ने ते हो ता ती वाले सेंटेंस बताए थे, लाइफ टाइम के सेंटेंस थे उन्हीं के जो पैसे मैंने तभी बताया था कि लाइफ टाइम के जो सेंटेंस होते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें जो लाइफ टाइम के बेस पर ज्यादातर क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लाइफ टाइम के बेस पर ही क्वेश्चन कर रहे हैं। डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, आज से अगर आप कभी भी किसी सेकंड पर्सन से इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो हैव यू अ कार इस तरह से नहीं करेंगे, हैव यू अ कार दिस इज द रॉन्ग। ओके, क्या बोलेंगे हम, डू यू से क्वेश्चन करेंगे, डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार। सेकंड पर्सन के लिए हमें डू का यूज करना होता है, डू, डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है या क्या तुम एक कार रखते हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, आंसर मना करना है, नहीं मेरे पास कार नहीं है, क्या बोलेंगे हम, नो आई हैव
करा है तो सिंपल सी बात है कि हम लोग नेगेटिव आंसर देंगे, डोंट में ही देंगे। दूसरे क्वेश्चन करते हैं और नेगेटिव आंसर देना तो डोंट का ही यूज करेंगे। नो आई डोंट हैव अ कार, बट कुछ बच्चे होते हैं हम ऐसे आंसर बना देते हैं नो आई हैव नॉट, हैव नॉट करके नहीं बनाएंगे हम यहाँ पर आंसर। नो आई हैव नॉट नहीं बोलेंगे यहाँ, हैव का मतलब तो यहाँ सिंपल पास्ट हो गया, रखना हो गया, लेकिन तातीत के अनुसार हमने यहाँ पर डू का यूज कर दिया, इसलिए जो हमारी मेन जो टाइम वर्ब हो गया वो डू हो गया। डू में ही हम नॉट जोड़ेंगे तो ये हो गया डू नॉट। नो आई डू नॉट हैव अ कार, नहीं मेरे पास कार नहीं है। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरे क्वेश्चन करेंगे, नेगेटिव आंसर देना है, नो आई डोंट करेंगे, नो आई हैव नॉट नहीं बोलेंगे, नो आई डोंट हैव अ कार। अभी तो हमने सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करा, नेगेटिव आंसर आ गया हमारे पास, अब हमें किसी थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करना है। थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करना है हमें कैसे करेंगे, डज। अब हमें थर्ड पर्सन के लिए डज का यूज करना है। टाइम टाइम के जितने भी सेंटेंस है, कंफर्मिंग सेंटेंस हमने सिखा था लास्ट वीडियो में, डू और डज का यूज हम किस तरह से करते हैं। तो अगर आपको डू डज समझ में नहीं हो रहा है तो प्लीज मेरी लास्ट वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है, वहां पर आपको सब समझ में रहेगा, सारे डाउट्स हुए आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करना है, हम डज से क्वेश्चन कर रहे हैं। Does your brother have a car? Does your brother have a car? क्या तुम्हारे भाई के पास एक कार है? क्या your brother वो ही हमारे third person है? यानी similar subject के इसलिए हमने यहाँ पर does का use करा है। Does your brother have a car? यहाँ पर हम has का use नहीं करेंगे कि third person के लिए हम has लगा दें, ऐसा कोई नहीं है। Third person है इसलिए हमने यहाँ does लगा तो दिया। Third person है इसका जो reason था वो हमारे does में आ गया। Have में नहीं जाएगा, एटीएम कार्ड। यस आई हैव एन एटीएम
देखो, डू यू हैव एन एटीएम कार्ड? कि तुम्हारे पास एक एटीएम कार्ड है? तो यस आई हैव एन एटीएम कार्ड. ठीक. और नेगेटिव आता तो नो आई डोंट हैव एन एटीएम कार्ड. नो आई डोंट हैव एन एटीएम कार्ड. नेगेटिव आता है तो सिंपल सी बात है, हम थर्ड पर्सन से भी क्वेश्चन करेंगे. डज ही हैव एन एटीएम कार्ड? यस ही हैज एन एटीएम कार्ड. इस तरह से आप पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव आंसर, थर्ड पर्सन से क्वेश्चन सब तरह से करना सीख जाएंगे. सेकंड वाली यूज करते हैं, डू यू हैव एन एंड्रॉइड फोन? कि तुम्हारे पास एक एंड्रॉइड फोन है? या आई हैव एन एंड्रॉइड फोन. पॉजिटिव देना तो यस आई हैव एन एंड्रॉइड फोन. थर्ड है, डू यू हैव एन प्रेजेंटेशन स्किल्स? डू यू हैव प्रेजेंटेशन स्किल्स? कि तुम्हारे पास प्रस्तुतिकरण कौशल है, प्रेजेंटेशन स्किल्स? यस आई हैव प्रेजेंटेशन स्किल्स. डू यू हैव अ एचपी लैपटॉप? कि तुम्हारे पास एचपी लैपटॉप है? ठीक है. डू यू हैव एचपी लैपटॉप? मना करना है तो नो आई डोंट हैव एचपी लैपटॉप. पॉजिटिव देना है तो यस आई हैव अ एचपी लैपटॉप. स्मार्ट कार्ड? डू यू हैव अ स्मार्ट कार्ड? डू यू हैव अ गोल्ड कॉइन? डू यू हैव अ पॉकेट डिक्शनरी? डू यू हैव अ स्पेयर टायर? डू यू हैव अ बिग बंगलो? डू यू हैव अ कॉलेज डिग्री? इस तरह से हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे डू से ही करने हमें कोशिश. डू यू हैव? डू यू हैव? डू यू हैव कोई आपको रट लेना एकदम. डू यू हैव? डू यू हैव से आपको सारे एक्शन को एड करके क्वेश्चन करना है. हैव यू करके नहीं करना है कि हैव यू एन एटीएम कार्ड. नो, क्या बोलेंगे? डू यू हैव? डू यू हैव एन एटीएम कार्ड? आई होप आपको ये हैव का यूज समझ आया हो. समझ आया हो अगर आप इसको, अगर नहीं आया तो पोस्ट करके देख ले एंड रिपीट कर ले. तो ये जो हमारा हैज का यूज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी इंग्लिश वाली डेली जो बोलती है उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. और वैसे ग्रामेटिकली भी तो ये यूज होता ही होती है. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई